अरे ये आप कैमरा ऑन कर दिए हैं? हाँ सफाई कर रही है। सफाई कर वो ठीक है, लेकिन फेस पे तो देखिए क्या लगा है। ऐसे आप कैमरा ऑन कर दिए बंद कीजिए ना कैमरा, प्लीज बंद कीजिए ना। आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। बहुत दिन के बाद वेलकम कर रही हूँ ना आप सभी को अपने चैनल पे, क्योंकि इतने दिन से क्या था ना, ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर वीडियो ही बना रही थी और मजबूरी था क्योंकि मैं गांव में थी और वहाँ पे इतने लोग थे ना, शोर बहुत होता था, इसलिए मैं आप सभी का अच्छे से वेलकम भी नहीं कर पाती थी कि हाँ आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे मतलब हम सब, आप और मैं सब, सिर्फ ये मेरा चैनल नहीं है, आपसे ही तो ये चैनल बना है। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरी तबीयत ना दो दिन से गड़बड़ चल रही थी, फीवर हो रखा था इस वजह से, और वीकनेस तो उसका हो गई होगा क्योंकि मैं कोई काढ़ा वाढ़ा बना के पी नहीं। हस्बैंड को बोली थी कि तुलसी पत्ता लेकर के आइए, तो ये तो भूल गए। और ये सेंडोगंजी में आप दिख क्यों रहे जी? गर्मी का मौसम आ गया। गर्मी का मौसम आ गया तो उससे क्या हुआ, आपको पता है ना कि मैं चाहती हूँ कि आप घर पे टी शर्ट पहन के रहिए, तो हम क्या करेंगे पसीने। तो सेंडो गंजी है, ऐसे तो क्या हुआ, हर ब्लॉग में ये सेंडो गंजी पे ही दिखेगा, मुझे बिल्कुल पसंद है टी शर्ट पहन के रहिए। और ये ना मुझे जबरदस्ती कह रहे कि मैं डिमांड जाऊँ और शॉपिंग करूँ। और देखिए नया टी शर्ट है। हाँ अभी नोटिस किया, आज पहनी है पहली बार। हाँ आज पहली बार पहने, एटलीस्ट आप नोटिस तो किए, वरना जितनी बार तैयार होते हैं कभी देखते तक नहीं है। देखते हैं ना। हाँ वो तो हमको पता चल गया कल ही कि कितना नोटिस करते हैं। कल ऐसी बात मेरे हस्बैंड बोले है ना, मैं मैं कैमरे में नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ना बहुत हैरानी हुई और हैरानी से ज्यादा मुझे बुरा लगा। सच्ची में मुझे बहुत बुरा लगा कि हस्बैंड मुझे इतना कम नोटिस करते हैं, मुझे देखते तक नहीं। आपको आपको थोड़ा सा भी लगा क्या, बोल गए आप कल? खैर वो सब बात की बात है, हमको है ना अभी डिमांड जाने का बिल्कुल मन नहीं है। देखिए हम जाएंगे लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनको बेटी के लिए थर्मस लाना है। बेटी के लिए थर्मस लाना है, हस्बैंड इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी हर 5 मिनट में पानी मांगती है, तो मैं सोची कि बड़ा साइज का थर्मस ले लूं, उसके गले में मैं टांग लाडी दादी मैं उसके गले में टांग दूंगी, जब भी उसको प्यास लगेगा वो पीती रहेगी, क्योंकि वो एक बार में इतना सा ही पानी पीती है, मतलब एक या दो घूंट जैसा, तो हर 5 मिनट में मांगती रहती है। मैं दे दे करके परेशान हो गई, और रात में भी उसको वैसे ही चलता है। तो अभी बज रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि आधा घंटा मैं सो लेती हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है। ले लो, 5 बजे चले जाना। 5 बजे नहीं जाएंगे, 5 बजे तो हम उठेंगे, तो 10 मिनट तो रेडी होने में लगेगा ना टाइम। हाँ तो बच्चे लोग नीचे जब खेलने जाएंगे ना। हाँ बेटा स्टार्ट हो गया, हम परेशान हो गया। अरे पीती भी तो एक ही घूट पीती है, तो मैं अभी आधा घंटा सोऊंगी, उसके बाद फ्रेश हो करके जाऊंगी। अभी अब देखिए नया टी शर्ट पहन के अब सोने की बात कर रहे हैं, पर वो नींद है ना बहुत आ रहा है। आपको पता नहीं है कि रात भर मैं सोई नहीं हूँ, और ये जो है ना पानी पीने का प्रॉब्लम मेरी बेटियाँ रानी का वही है, हर आधे घंटे में मुझे ना पानी के लिए उठाइए, जिस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं अभी सोच रही थोड़ा सा सो लेती हूँ, न्यू टी शर्ट पहन के सो लेती हूँ, तैयार तो नहीं हुई हूँ, बस सो लेती हूँ। कहाँ पर सोऊँगी, यही सोफा में सो लेती हूँ। सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई, चलो अच्छा है, ऐसे भी शाम के बज रहे 6:45 बज गए हैं, मतलब तभी से ना मैं बस ऐसे लेटी हुई थी आलसी जैसी, थक गई थी ना सुबह से, सफाई का काम हो रहा था और कल मुझे फीवर भी था, कल परसों 2 दिन फीवर था, तो वीकनेस भी अभी है। हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, वो हम भी नहीं पूछेंगे क्या कर रहे हैं, नहीं कपड़ा हम नहीं पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, अगर पूछेंगे तो मुझे उससे फंसना पड़ेगा इसीलिए। और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन एक शिकायत है हस्बैंड से कि अभी तक मुझे ये गूगल पे करना सिखाए नहीं है, मेरे मोबाइल से ना जीपे नहीं होता है, और इसीलिए मैं गांव गई थी ना, तो 2 बार बैंक का चक्कर लगाई थी ताकि मेरे मोबाइल से गूगल पे हो, क्योंकि मेरे अकाउंट में मेरे हस्बैंड का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और एटीएम कार्ड मेरे पास नहीं था, मतलब वो ब्लॉक हो चुका था, पता नहीं किस कारण से ब्लॉक हो गया, तो वो भी मैं नहीं जानती। तो एटीएम कार्ड तो आ चुका है, लेकिन गूगल पे करना सिखाया नहीं आप अभी तक। अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सिखा दीजिए। अभी नंबर अपडेट नहीं हुआ है, अभी तक आपका नंबर दिया हुआ है। कर देंगे, आने को एटीएम आने को कितना टाइम लगेगा? एटीएम तो आ गया ना, गांव में आया ना, गांव के एड्रेस में एटीएम आ चुका है, ये आप बताए हैं। चेक करता हूं, फोटो खिंचवा करके कीजिए। करता हूं नहीं करता हूं मतलब क्या,
कल मेरे कर दीजिएगा गूगल पे। मेरा कपड़ा तो ये मेरे मिस्टर कपड़ा आयरन करके रखे हैं, जगह बना रहे। अब अलमारी में है ना कपड़ा रखने का जगह नहीं है, क्योंकि मैं इतनी सारी शॉपिंग की हूँ ना कि मेरे शॉपिंग के कपड़े ही अलमारी में फुल हो गए। तो लास्ट में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के कपड़े अलमारी से निकल करके यहाँ पे डल रहे हैं, तो मैं अच्छे से रख दूंगी। अभी वो अच्छे से नहीं रख रहे, आयरन करके प्लास्टिक में ऐसे ही डाल रहे हैं। मैं अभी शॉपिंग करके आऊंगी ना, तुमको अच्छे से रख दूंगी। तब कार्ड ही लेके जाना पड़ेगा, दीजिए कार्ड, मेरे पास कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है। SBI वाला तुम्हारे पास है? और टाइम बहुत हो गया है, तो सोच रहे हैं कि हम बस सिर्फ गिन के 10 सामान ही लेंगे, ज्यादा सामान हम नहीं लेंगे। ज्यादा लाना भी नहीं है, फिर जाएंगे। हाँ, क्योंकि 10 से ज्यादा सामान लेने से ना वो बिलिंग काउंटर बहुत ज्यादा, वहाँ पे लंबा लाइन लगना पड़ता है, क्योंकि आज संडे है तो संडे को बहुत भीड़ रहता है बिलिंग के लिए, उसी में 1 घंटा टाइम वेस्ट होता है। और मुझे एक्चुअली आज थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, 2 दिन से फीवर था ना, तो उसका थोड़ा सा है असर। काढ़ा वगैरह कुछ पी नहीं, काढ़ा वगैरह पीती थी तो एनर्जी मिल जाता था। देखे आपके पास कार्ड है, कह रहे हैं मेरे पास कार्ड है, मेरे पास एक भी चेंज पैसा नहीं है, मतलब पॉकेट में 1 रुपया नहीं, बस कार्ड देके जा रहे। और कुछ खाने पीने का मन किया तो पैसा नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा पॉकेट पूरा खाली है, इसीलिए हम कह रहे हैं मेरे को जीपे कर दीजिए। मिल गया हस्बैंड से पैसा। मैं जा रही हूँ बिडी मार्ट, मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़ चुकी है कि हम मम्मी के साथ जाएंगे। कुछ भूले नहीं है ना जी, मास्क वगैरह ले लिया, थैला ले लिया, पैसा कार्ड ले लिया। ओके बाय। बेटी मेरे पास ना चिपक गई है हाथ पकड़ के कि मम्मी के साथ जाना है। मैं इसको लेकर के बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। इसे पीछा कैसे छुड़ाओ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे छुड़ाओ पीछा, कुछ तो आइडिया दो यार। कहाँ जाओगी? डिमांड जाओगी? अच्छा फंस गई मैं, अब लगता है कि लाडू को कुछ दे के टरकाना पड़ेगा। ये लो अब घर जाओ। ओके नहीं जाओगी तो हम ही घर जाते हैं, हम डीमार्ट नहीं जाएंगे, ठीक है? कल जाएंगे डीमार्ट, कल चलना। ओके लड़ो चलो घर, चलो चलो घर चलो। इससे अच्छा मैं ही नहीं जाती हूँ, इतना जरूरी नहीं है सामान लाना। लड़ो चलो चल चलो। लड़ो सुन नहीं रही है, उसको जाना ही जाना है, वो रो रही है पूरा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि लाडो का मास्क मैं लेके नहीं आई हूँ, तो इधर नीचे से हस्बैंड से मास्क मांग लेती हूँ। कहाँ गया मेरा? फ्लैट का खिड़की ये रहा। लाडो नहीं मान रही है, वो देखिए कितना रो रही है, ये देखिए। एक सेकंड गिर जाएगा। हाँ फेंके, हाँ कैच कर ली। ये लो, बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा। 5 मिनट का रास्ता कोई ये ना आधा घंटा बना ही दी है। हस्बैंड को मैं कॉल की हूँ, बोले प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि सामान लेकर के मैं जब रिटर्न जाऊँगी तो हाथ में सामान भी होगा और लाडू को लेकर के आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप आ जाइए। संडे का दिन था ना, संडे इवनिंग का, तो इस वजह से ना डीमार्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मैं गिन करके सिर्फ 10 सामान ली। देखी कि 1 नंबर 2 नंबर जो काउंटर था जो 10 सामान की बिलिंग करता है वो बंद है, तो मैं डिसाइड की मैं सामान नहीं लूँगी, तो वही मैं लाडो को उठा रही, तो उठ नहीं रही थी, बोली मैं सामान ले कर जाऊँगी। तो लाडो की जिद पर फिर मैं गई जो एक और स्पेशल काउंटर है 31 नंबर, वहाँ पर मैं लाइन लग गई। लेकिन 31 नंबर तक जाने के लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। 1 नंबर से 31 नंबर जाने में ना मतलब इतनी भीड़ थी कि ट्रॉली लेकर के 1 से 31 जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो लाडो की जीत की वजह से मैं इस बिलिंग के लिए खड़ी हो गई, वरना मैं जो 10 सामान ली थी उसको मैं छोड़ करके मैं वापस घर आ रही थी, पर लाडो की जीत की वजह से मैं वो सब सामान ली। आधा घंटा लगता, टाइम बर्बाद होता, और अभी तक मैं ना ब्लॉग एडिट भी नहीं की हूँ, अपलोड भी नहीं की हूँ। लगभग 7:15 बज रहे हैं, इसी वजह से मैं सोची ना कि इसको गोदी लेके तो जा नहीं सकते, आप लोग जानते हैं गोदी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है फिलहाल। आ गई घर, मुझे ना बिल्कुल भी शॉपिंग करने का मन नहीं था, चली गई और वहाँ पे इतनी भीड़ देखी कि बिलिंग के लिए बहुत लंबा टाइम लगता। तो मुझे ना जो 10 क्वांटिटी वाला भी था ना उसका भी बिलिंग कराने का मन नहीं किया। मैं तो हस्बैंड को बोली कि चलिए चलते हैं, लेकिन लाडो जिद की कि नहीं उसको कलरिंग बुक लेके जाना है, तो ड्राइंग करने वाला एक बुक परचेज किया है, तो उसके जिद की वजह से फिर मुझे बिलिंग करना पड़ा। सिर्फ 10 ही क्वांटिटी का ही लिए तो जल्दी बिलिंग हो गया, पर क्या था ना थोड़ा सा वीकनेस जैसा लग रहा था, तो खड़े होने का मन नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं वहाँ रहना नहीं चाह रही थी, और इसी वजह से मैं लाडो को गोदी भी लेना नहीं चाह रही थी। लेकिन मैं हस्बैंड को बुला ली, ये आ गए, मैं डिमांड इन कर गई थी और ये आ गए, फिर फ़ोन पर बात करके इनको मैं अपने पास बुला ली। तो ब्लॉग यही एंड करते हैं, क्योंकि आज एक्चुअली में थोड़ा सा थकान लग रहा है, थकान एक्चुअली में लग रहा है, थकान सा लग रहा है, सुबह से काम भी किया ना।
सुबह से घर की सफाई एक्चुअली की ना पूरा नॉन स्टॉप, मतलब तबीयत खराब था फिर भी सुबह से घर की सफाई की और रेस्ट के नाम पे वही एक घंटा जो लेटी रही सोफा पे सोई नहीं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, आज का ब्लॉग जैसा भी था थकान भरा हुआ ब्लॉग था इसीलिए आपको ब्लॉग ऐसा मिल रहा है क्योंकि तबीयत सही नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।